हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली चौधरी है। मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वह टॉपिक हमारा था राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय राजनीति से हमारे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई होप आपने वो सारी चीज़ें याद कर ली होगी क्योंकि वो क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट थे। हाँ, तो चलिए हम जो पढ़ेंगे आज उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए थे तो उन बच्चों का थैंक यू, क्योंकि आपने आंसर दिए है और मेरी बात सुनी है। अच्छी बात है, आंसर देना अच्छी बात होती है कि आप यूपीएससी के बच्चे हैं, आंसर देना तो बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कितने बच्चे आंसर देते हैं। चलिए तो देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है वह निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर देखो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि संसद के अंग कौन कौन होते हैं। तो संसद के जो अंग है, राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होती है और लोकसभा भी होती है। ये तीनों क्या है, यह तीनों जो है वह संसद के अंग है। ठीक है, इसके साथ साथ लोकसभा क्या है, लोकसभा अध्यक्ष संसद का अंग नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, संसद के अंग कौन सा संसद का अंग नहीं है, तो लोकसभा संसद का अंग नहीं है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद का अंग नहीं होता है। तो कौन होता है भारत की संसद का अंग, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा हम, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कि कौन सा गलत है, ठीक है, सही नहीं है, ऐसा पूछा गया है हमसे। ऑप्शन देखो संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग है, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है और हाउस ऑफ कॉम्स ऊपरी सदन है। ठीक है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। चलिए तो देखेंगे हम कि निम्न में से कौन सा जो सही नहीं है, और अब मैं आपको ये बताऊं कि सही कौन सा है। ठीक है, तो जो संसद होती है केंद्र सरकार के विधायी अंग होती है, ये हमारा जो है राइट है। ऑप्शन नंबर बी है आपका लोकसभा क्या है, तो लोकसभा निचला सदन है, आप सभी जानते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है, ये भी आप जानते हैं। मगर हाउस ऑफ कॉम्स, अब ये हाउस ऑफ कॉम्स क्या है, तो हाउस ऑफ जो कॉम्स है यह ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है। किसका है, ब्रिटेन की जो सदन है वहाँ का क्या है, निचला सदन है क्या, हाउस ऑफ कॉम्स। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट जो है कि यह सही नहीं है क्योंकि हाउस ऑफ कॉम्स ब्रिटेन की संसद का निचला सदन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ऑप्शन देखो 245, 238, 250 या 252। अगर आपको आंसर पता है तो आप जरूर बताइए। तो हम देखेंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चुनकर आते हैं। राज्यसभा में 238 सदस्य, कितने, 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। कहाँ से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ठीक है, अब बाकी के 12, तो बाकी के जो 12 बचे हैं वह 12 सदस्य कौन चुनता है, तो वह 12 सदस्य कौन चुनता है, हमारे राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि 12 सदस्य कौन चुनता है, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी राज्यों और केंद्र के शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने चुनकर आते हैं, तो 238 आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका सिर्फ दिल्ली एवं पांडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगर आपको आंसर पता जरूर बताइए। ए देखो, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, ये आपकी राइट है। ऑप्शन नंबर बी देखो, सिर्फ दिल्ली में पांडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में से चुनकर आते हैं, ये चीज़ भी राइट है। इसके बाद क्या है, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये गलत है क्योंकि 61वें
क्योंकि 61वें संविधान संशोधन में 1998 में सॉरी 1998 के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कौन संशोधन संविधान में? तो 21वें संविधान संशोधन में, ना कि 65वें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन देखो, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और सी दोनों, और डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की जो प्रणाली होती है उसका नाम क्या है? तो उस प्रणाली का नाम है आपका प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखेंगे कि ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत भूभाग को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जो भूभाग होते हैं इनको क्या, भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति या प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, मतलब कि चुना जाता है। तो लोक, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि लोकसभा के चुनाव में प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली चुनाव अपनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? ऑप्शन देखेंगे, राज्यसभा, बी राष्ट्रपति, सी राज्य विधानसभा परिषद, ऑप्शन नंबर डी है आपका सभी। ठीक है, तो किसके द्वारा चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? तो उपरोक्त सभी, मतलब कि एकल जो हस्तांतरणीय मत व्यवस्था है यह राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनाई जाती है। किस किस के लिए अपनाई जाती है, एक नाम और ऐड करिए, मतलब कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं उन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी अपनाई जाती है, मतलब कि राज्यसभा, ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, और राज्य विधानसभा और उपराष्ट्रपति के द्वारा के लिए अपनाई जाती है क्या, एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दोष कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देखो, यह खर्चीली है, बी यह उपचुनाव का कोई अवसर नहीं देती है, ऑप्शन नंबर सी है आपका यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त सभी। तो देखो, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है ना, इसमें से जो दोष होता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं, दोष मतलब सारे हैं, मतलब कि उसमें यह खर्चीली भी होती है, इसके साथ साथ यह उपचुनाव का कोई अवसर नहीं देती, ठीक है, और यह पार्टी व्यवस्था को महत्व को बढ़ावा देती है, और उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, मतलब कि अनुपातिक जो प्रतिनिधि प्रणाली होती है इसमें यह तीनों दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से, खर्चीली भी होती है, उपचुनाव का कोई अवसर नहीं होता, और यह पार्टी अर्थव्यवस्था को महत्व को अधिक बढ़ावा देती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? ऑप्शन देखेंगे, राज्य एवं संघ राष्ट्र क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना जहां उसका चुनाव लड़ा रहा है, ऑप्शन नंबर बी है आपको, उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना जरूरी है। तो देखो कि लोकसभा के लिए जो चुने जाने के लिए जो उम्मीदवार है उस पर कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है, पंजीकृत मतदान होना आवश्यक होता है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, राज्यसभा के लिए यह नियम 2003 से हटा लिया गया है। कब चलाया गया था, 2003 से, परंतु क्या पूछा गया, कौन सी शर्तों क्या पूरी होना चाहिए, मतलब कि जो उम्मीदवार को अपने निर्वाचन के जो पंजीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, ये और इसके साथ एक और क्या चीज़ बताई थी मैंने, क्योंकि वह राज्य और संघ के क्षेत्र का निर्वाचन हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, इसमें दोनों चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि,
यदि ऑप्शन देखो, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार किया गया हो, ऑप्शन नंबर दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी चुनाव खर्च या ब्यौरा समय पर देने में विफल हो रहा हो, मतलब विफल हुआ हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि संसद का जो सदस्य है वह कौन नहीं बन सकता है, तो चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार किया हो यह भी नहीं बन सकता है, दिवालिया घोषित किया गया हो यह भी नहीं बन सकता है, चुनाव खर्च के ब्यौरों के समय देने में विफल रहा हो यह भी नहीं बन सकता, मतलब कि उपरोक्त सभी, मतलब कि ये तीनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब कि यह लोग संसद का सदस्य नहीं बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन देखो, कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारियों को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो आपके देखो किसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब ये कोरम को पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य होना अनिवार्य है, इसके साथ साथ क्या अनिवार्य है, 55 सदस्य होने के साथ साथ राज्यसभा में 25 सदस्य होना अनिवार्य है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, जिन बच्चों ने आंसर दिया उनका थैंक यू सो मच, और इसके साथ साथ ये जो आपका टॉपिक है इसे भी आप देख लीजिएगा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आपकी जो डिफ़िकल्टी है उसका, हर एक डिफ़िकल्टी का आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हमारी कल की क्लास में।